आज हम बनाएंगे रिसोटो। रिसोटो एक इटालियन डिश है, हम इसे बिरयानी या पुलाव से कंपेयर कर सकते हैं। वन डिश कंप्लीट मील है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। इस डिश को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है कि हम वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनाएं और फिर उसी वेजिटेबल स्टॉक से हम बनाएंगे रिसोटो। लीजिए दो गाजर, बंधा गोभी, एक बड़ा आलू, डंडी के साथ धनिया पत्ती, अदरक, टमाटर, 1.5 लीटर पानी, गोल मिर्च, लौंग, तेजपत्ता और स्वाद के अनुसार नमक, और इसे अब अच्छी तरह उबालना है। सब्जियां उबल जाएंगी और पूरा स्वाद पानी में चला आएगा। उबलने पर हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद जो सब्जी ऊपर बचेगी उसे हम पचा लेंगे। इन सब्जियों में हल्का सा तेल और जीरा डालकर हम छौंक लेंगे। पूरी सब्जी तैयार है। और ये देखिए हमारा बना घर का बना हुआ वेजिटेबल स्टॉक। रिसोटो के लिए हमने लिया गाजर और शिमला मिर्च और एक टमाटर जिसे हम पील कर लेंगे। टमाटर को चॉप कर लीजिए, लीजिए कढ़ाई और डालिए उसमें मक्खन और साथ में 1 टेबल स्पून तेल। और जब तेल और मक्खन गर्म हो जाए तो उसमें डालिए ग्रेटेड अदरक और फिर डालिए गाजर और शिमला मिर्च। अब डालिए थोड़ा सा नमक। थोड़ा चलाने के बाद आधा के करीब उसमें से निकाल लीजिए। और अब इसमें हमने डाला है रिसोटो राइस। रिसोटो के लिए हम आर्बोरिया राइस बिहार में लाते हैं, लेकिन आप इसे किसी भी राइस से बना सकते हैं, बासमती राइस से भी अच्छा बने। और अब हमने जो इसके लिए बनाया है स्टॉक, वो स्टॉक हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। हम पूरा स्टॉक एक साथ नहीं डालेंगे, हम 2-3 बार में करके धीरे धीरे इसमें स्टॉक ऐड करते जाएंगे। और साथ साथ में आप देखेंगे कि राइस पकता जा रहा है। हमने यहाँ पर फ्रेश राइस से बनाया है। आप रिसोटो बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं, ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जो ओरिजिनल इटालियन रिसोटो बनता है उसमें आर्बोरिया राइस डाला जाता है। ये अमेजोन पर अवेलेबल है, इंडियन मार्केट में भी मिलता है। अब इसमें डाल दीजिए जो हमने चॉप टमाटो रखा है। ये चॉप टमाटो पूरा अच्छी तरह इसमें गल जाएगा। अब डालिए थोड़ा मक्खन। और जब आप रिसोटो खा रहे हैं तो मक्खन और चीज़ से परहेज कैसा, और थोड़ा सा इसमें डालिए और चीज़। रिसोटो काफ़ी चीज़ी होता है और इसीलिए बच्चों को बहुत पसंद आता है। स्वाद में बहुत ही अच्छा होता है, खासकर जब हम लोगों ने घर का स्टॉक बनाया है तो बहुत ही फ्रेश टेस्ट आएगा। अब जो हमने थोड़े से सब्जियां निकाली थी उसे ऐड कर दीजिए। बाद में सब्जियां डालने से क्या होगा, इन सब्जियों का क्रंच रहेगा। और अब दी स्पेशल इन्ग्रीडियंट जो है पुदीना का पत्ता। ये पुदीना भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, हर जगह मिलता है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, थोड़ा गीला गीला ही होता है और थोड़ा ओवर कुक होता है। और ये देखिए हमारी रिसोटो राइस रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड प्लीज़ शेयर योर कॉमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।